गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अदनान फारूक एट योर सर्विस एंड आई एम डूइंग एन अनस्केड्यूल्ड लाइव एंड आई ड्यूली अपोलोजाइज बिकॉज आपके साथ टाइम मेरा यूजुअली पहले तय होता है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पास्ट 2 डेज आई हैव नॉट बीन एबल टू कमिट टू माई टाइमिंग्स एंड दैट इज वाई आई एम ड्यूली अपोलोजेटिक। हाउएवर, इस लाइव सेशन की ब्रॉडकास्ट ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन द न्यूज फीड, सो आई हाईली रिकमेंड दैट इफ यू कैन नॉट वॉच इट राइट नाउ, यू माइट एज वेल वॉच इट व्हेन यू गेट द टाइम, बिकॉज दिस इज सो क्रिटिकल इफ यू वॉन्ट टू डू थिंग्स द राइट वे दिस रमजान। आपने देखा होगा कि मैं अपनी थ्रू आउट ट्रांसमिशन के अंदर ये जो रमजान की कैंपेन और इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो हम सारी बात करते रहे हैं, आप नोट करेंगे कि इसमें आई हैव बिन emphasizing a lot of things, but one thing that stands out that I've been repeating again and again like a broken record is that you must do things differently this time. और जब आप दिमाग से काम करते हैं तो आप अपने जज्बात को थोड़ा सा डैम्पन डाउन कर देते हैं, और जब आप दिमाग को इस्तेमाल करते हैं तो जो चीज़ें आपने पहले की होती हैं, जो चीज़ें आपकी हैबिट लूप्स बने हुए हैं, जिन चीज़ों को आप समझते हैं कि दे गिव यू सक्सेस, या आप कहते हैं ना आदत से मजबूर, उन चीजों को आप क्वेश्चन करते हुए दिस टाइम यू डू थिंग्स डिफरेंटली। सो दैट इज व्हाट माय माय अपील टू यू इज अबव एवरीथिंग एल्स। नाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस प्रेजेंटेशन रियली शॉर्ट बिकॉज आई नो कि आपका टाइम लिमिटेड है, इट्स वैल्यूबल, सो आई वॉन्ट कीप दैट इन माइंड। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फ्यू अनाउंसमेंट्स हेयर। पहली तो ये कि मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज spread this video. I am requesting you to spread the goodness because I do believe and I feel that a lot of us need positivity and direction in our lives. So हो सके तो इस information को spread कीजिएगा। Number two, I am super excited to announce the launch of my Ramzan Health and Wellness online course. It is something that I was working on for past 3 months. मैंने क्या किया कि जो सारी intermittent fasting की science थी वो इस कोर्स में डाली है, ताकि रमजान और प्री रमजान जितनी हमने प्रेपरेशन करनी है मेटाबॉलिज्म को कोट एंड कोट ऑप्टिमाइज करने की, दैट साइंस इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू यू इन दिस कोर्स। राइट नाउ ऑल्सो द फैक्ट दैट दिस 2 2 वीक्स और 3 वीक्स जितने भी हमें अवेलेबल हैं, ये जो हम रमजान की तरफ जा रहे हैं, इसमें हमने हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है। यू सी, इफ यू सीन माई प्रीवियस कैंपेन्स, माई वीडियोज एंड एवरीथिंग एल्स दैट आई हैव शेयर्ड विद यू रिगार्डिंग प्रेपरेशन फॉर रमजान, आई हैव टॉक्ड अबाउट प्रिपेयरिंग योर मेटाबॉलिज्म एंड गेटिंग इन टू द जोन। सो वट हैपन्स इज दैट इफ यू कैन समहाउ गेट योर सेल्फ इन एक्शन, और अगर आप अपने आप को इन 2 3 हफ्तों के अंदर तैयार कर लेंगे ना, तो यू विल मैक्सिमाइज योर गेन्स, बिकॉज आप प्री रमजान की भी तैयारी कर रहे हैं, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग की गाइडलाइंस के साथ चल रहे हैं, सो ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। नाउ वन मोर थिंग, दिस वीडियो, दिस ट्रांसमिशन इज अबाउट फेज 3। आपने, इफ यू बिन विद मी थ्रू आउट दिस कैंपेन, तो आपने नोट किया होगा I've talked about, you know, doing things gradually and progressively. So we did phase 1, जिसके अंदर हमने स्नैक्स को रिमूव किया। फेज 2 में हमने 12 घंटे की। फेज 3 इज द ब्रंच फास्ट, आइडियली वी कॉल इट अ ब्रंच फास्ट, विच इज 14 आवर ऑफ ओवरनाइट फास्टिंग। नाउ अगर आपने पिछली फेजेस नहीं की या आपको नहीं पता, यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम चैनल एंड यू कैन गो टू माई IGTV, वहां पे आप देखेंगे एक सीरीज बनी हुई है, और ये सीरीज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। सो लॉट ऑफ ग्रोस रिसोर्सेज फॉर यू इन केस यू मिस्ड आउट। हाउएवर ऑल्सो द फैक्ट दैट वी हैव अबाउट 2 2 1/2 वीक्स अप अंटिल रमजान, एंड दिस इज द टाइम यू हैव टू, लाइक आई सेड, कोट एंड कोट ऑप्टिमाइज योर मेटाबॉलिज्म एंड गेट योर बॉडी इन गियर इन शेप फॉर 15 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग, जो ड्राई फास्टिंग रमजान की होगी। तो आपने अगर वो पिछले फेजेस नहीं किए हुए, तो डजेंट मैटर, यू कैन स्टार्ट ऑफ नाउ, इट्स नेवर टू लेट। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक अनाउंसमेंट्स, आई वॉन्ट टू गेट देम आउट ऑफ द वे। नाउ लेट्स कम टू द मीट एंड पोटेटोज ऑफ फेज नंबर 3। फेज 3, लाइक आई मेंशनड, इज ए 14 आवर फास्ट,
और ये थर्ड फेज में इसलिए आ रहा है क्योंकि अगला फेज जो लास्ट एंड फाइनल फेज है वो 16 आवर फास्टिंग होगी एंड इट्स गोइंग टू बी समहाउ ऑलमोस्ट मैचिंग द रमजान फास्टिंग विंडो एज वेल। तो ये 16 घंटे का हम चार चौथे फेज में हम 16 घंटे की फास्टिंग पे आ गए और उसके साथ साथ हमने अपनी तैयारी भी कर ली। सो इट फिट्स रियली वेल। ठीक है, अब इस जो जो 14 आवर की फास्टिंग है इसमें क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, आई एम गोइंग टू गिव यू 5 टिप्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इन ऑप्टिमाइजिंग दिस फेज। ठीक है, पहली चीज, द फर्स्ट थिंग ऑलवेज इज द माइंड सेट बिकॉज द माइंड कंट्रोल्स एवरीथिंग एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर मोस्ट पीपल दे इग्नोर द माइंड सेट एंड दे जस्ट टॉक अबाउट के जी खाने का बता दें, एक्सरसाइज का बता दें, एंड आई फियर्सली डिसएग्री विद दैट अप्रोच बिकॉज इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, इफ यू कैन नॉट अलाइन योर थॉट्स एंड इफ योर माइंड इज ऑल ओवर द प्लेस स्कैटर्ड लाइक इट इज फॉर मोस्ट पीपल देन देर इज नो डाउट दैट वेरी सून यू आर गोइंग टू बी ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। तो माइंड सेट का मतलब यह है कि आपकी अप्रोच, आपने अपने दिमाग से लेके चलना है, जज्बात को कम करना है। तो उसके ऊपर पहली बात मैं करूंगा कि एज यू कमिट योर सेल्फ टू ए न्यू बिगिनिंग, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल रमजान के अंदर वो इंतजार कर रहे होते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को, अपनी हेल्थ को दोबारा स्टार्ट करने के लिए रमजान का एक बहाना होता है एंड दैट्स फाइन, यू नो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट वेन यू डू देन यू मस्ट डू इट द राइट वे एंड वट बेटर वे टू डू इट देन डू इट कंसिस्टेंटली। आई ऑलवेज से रिजल्ट आपके जो है ना, आप जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करें वो रिजल्ट आपका कंसिस्टेंसी में है और कंसिस्टेंट होना एक आर्ट है, इट्स अ डिसिप्लिन। सो द क्वेश्चन बिकम्स दैट इफ योर रिजल्ट्स आर इन कंसिस्टेंसी देन हाउ डज वन रिमेन कंसिस्टेंट, और ये एक सवाल है जो कि हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए और ये आप जिंदगी में अपनी किसी चीज पे भी अप्लाई कर लें। सो कंसिस्टेंसी इंसान की तब होती है कि जब आपने जो भी परसूट है, जो भी गोल है, उसके अंदर आपने अपनी कमिटमेंट को आपने क्वेश्चन करना है। इन अदर वर्ड्स यू नीड टू आस्क योर सेल्फ व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई एम आई स्टार्टिंग अदनान्स ऑनलाइन कोर्स, और व्हाई एम आई डूइंग अदनान्स कैंपेन, और इवन व्हाई एम आई स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर रमजान एंड व्हाई डू आई नीड टू गेट फिट। एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट इज जस्ट कि जी मैं ईद के लिए पतली हो जाऊं या मैं ईद के लिए फिट हो जाऊं, दैट इज गुड बट इट इज नॉट दैट पावरफुल। सो व्हाट आई वुड हैव यू से इज के अपने जो आपके गोल्स हैं उनको दोबारा रिविजिट करते हुए उन गोल्स को निकाल के लेके आए कि डू यू हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, डू यू हैव योर फैमिली हु इज लुकिंग एट यू फॉर इंस्पिरेशन, डू यू नीड एनर्जी एट वर्क एंड इन योर लाइफ टू गेट थिंग्स सॉर्टेड इन योर लाइफ, वट एवर योर गोल्स आर, ट्रस्ट मी अगर आपकी हेल्थ इन लाइन है ना, अलाइंड है, तो आपकी फिटनेस और वेट लॉस भी अलाइंड ही होएगा। और ये मैं बात इसलिए करता हूँ क्योंकि यू नो एज अ फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डीलिंग विद हेल्थ इश्यूज, मेजरली हार्मोनल इश्यूज के ऊपर उनकी प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम उन प्रॉब्लम्स के अंदर जब मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि व्हाई डू यू नीड टू गेट फिट, व्हाट इज योर रीजन टू स्टार्ट ऑफ, तो जवाब आगे से ये आता है कि मैंने वेट लूज करना है एंड दैट्स नॉट टू पावरफुल। सो माइंडसेट की अप्रोच ये कहती है कि आप अपने आप को एक से ज्यादा वजह दें और उन गोल्स के साथ, उन आउटकम्स के साथ कि जो आपने विजुलाइज करनी है कि इफ आई डू स्टे कंसिस्टेंट, इफ आई डू कमिट टू माई गोल्स, देन दीज आर द बेनिफिट्स आई स्टैंड टू अचीव। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट यू विल व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज के देर विल बी डेज दैट विल चैलेंज योर कमिटमेंट। बहुत सी जिंदगी के अंदर ऐसे मामला चल रहे होते हैं जिसमें इंसान का स्केड्यूल ऊपर नीचे होता है एंड द वन थिंग दैट सेव्स यू इज योर माइंड सेट, योर प्रेपरेशन। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ ये लेट्स से मैं भी फास्टिंग की प्रेपरेशन कर रहा हूँ, और इनफैक्ट मेरे साथ ये हुआ है कि जब मैं अपने एक एक मील को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और अपनी जिंदगी को उस तरह ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ताकि मेरे गोल्स अलाइन रहे अमिड्स द केओस, तो जब जिंदगी का प्रेशर मेरे पे आता है तो उस वक्त यू नो इंस्टेंटली माई ब्रेन पिक्स अप एंड सेज
यू आर नॉट गोइंग टू गो फॉर दैट बैग ऑफ चिप्स, यू आर नॉट गोइंग टू स्किप अ मील, और यू आर नॉट गोइंग टू एनीथिंग दैट इज गोइंग टू मूव यू अवे फ्रॉम योर गोल्स बिकॉज ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 रीजंस. तो मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ यार, ये मुझे 3 या 4 इतने मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर मैं अपने आप को कमिट करूंगा, तो उस वक्त मैं अपने प्लान से हटता नहीं हूँ. सो इट्स जस्ट दैट अनफॉर्चुनेटली फॉर मोस्ट पीपल इट्स नॉट अबाउट कमिटमेंट, इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव गोल्स दैट इंस्पायर यू. हम लोगों के अंदर हम कहते हैं ना कि यार वो उसने वो कोई प्लान कर रहा था उसने छोड़ दिया. वो इसलिए उसने छोड़ा नहीं कि वो कोई और वजह थी, वो इसलिए वजह उसने छोड़ा कि उसने अपने आउटकम्स और गोल्स के अंदर इंस्पिरेशन को नहीं डाला. तो जब आप किसी भी चीज़ के अंदर इंस्पिरेशन और अपने गोल्स के अंदर क्लैरिटी नहीं लेके आते, अगर आप उन जो बेनिफिट्स आप कर लेना चाह रहे हैं अपनी एफर्ट से, अगर आप उनको अभी विजुलाइज नहीं कर पा रहे और उनको फील नहीं कर पा रहे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा. सो इन अदर वर्ड्स, जब मैं अपने आप को रिकमिट करता हूँ गोल्स पे, सो यू नो व्हेन आई थिंक टू माई सेल्फ why am I doing this, and I get the answer that this is why you are doing this. Adnan, ye wajah hai ki aap apna fasting kar rahe ho. For main aapko ek misal deta hu, fasting, why that has become my lifestyle is because, you know, for the longest time I would suffer with sugar imbalances. Main bachpan se apni struggle kar raha hu sugar balance ki. I've been detected as a hypoglycemic, which also means somewhat borderline hypoglycemic, which means के मेरी energy बहुत वो है, unstable है, और उसकी वजह से मेरा दिमाग बंद हो जाता था. So I'm thinking about things and then suddenly I would go blank. And now that intermittent fasting has helped me stabilize my sugar, trust me, I can work better, my energy is optimized, and for me that is a huge, huge plus, because मैंने अपने दिन के tasks को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश करना होता है और प्रॉपरली करना होता है, और अगर मेरा दिमाग बंद है जो कि पहले होता था, तो वो फिर मैं अब अपने तरीके से कर पाता हूँ. तो आप नोट कर रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सो फॉर मी गेटिंग इन शेप ऑब्वियसली इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, बट ऑल्सो मेंटल क्लैरिटी एंड मेंटल एनर्जी इज ऑल्सो टॉप ऑफ द लिस्ट. सो इस तरह के और मैंने अपने आपको 3-4 रीजन्स दिए हुए, वो रीजन्स मुझे क्विट नहीं करने देते. सो दैट्स वाई योर माइंड सेट कम्स इन. That's what your game plan should be, that sit down and give yourself reasons why you are committing to this and then stick with it. Theek hai ji? So this is point number one. I hope aapko ye baat samajh aa gayi bhi hai. Moving forward, since we're in phase 3, aur phase 3 mein hum 14 ghante ki fasting kar rahe hain, to it makes sense that you give your body non-fasting days as well in the week. आपने intermittent fasting का सुना हुआ है, लेकिन आपने intermittent fasting को समझा नहीं. जो so-called experts बन रहे हैं intermittent fasting के, और आपको वो 6, 7 दिन, 5 दिन continuously fasting करा रहे हैं, they are missing the point, because intermittent का मतलब है चीज़ का periodically रुकना. So मैंने ये बात पहले भी शायद आपसे की थी कि intermittent का मतलब है ऑन एंड ऑफ. सो ऑफ डेज के ऊपर भी आपने फोकस करना है. सिर्फ ये नहीं करना है कि आपने आज बात सुनी, जज्बाती फैसला किया और कहा कि अदनान से हमने सुना है कि 14 आवर फास्टिंग करनी, तो यू स्टार्टेड टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस. दैट्स नॉट गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स. द आइडियल पॉइंट इज दैट यू हैव अ फास्टिंग डे एंड देन यू हैव अ नॉन फास्टिंग डे. सो लिटरली 3-4 डेज यू आर फास्टिंग and 3-4 days you are not fasting. So question becomes ke jo aapke 3-4 din non fasting ke honge, what are you going to do then? How are those days going to be different from fasting days? So for example, 9 o'clock is the time you have dinner. 9 o'clock se aapne 9 o'clock se subah 9 baje tak ye 12 ghante ho gaye, 10 11 12 and 1. So 1 p.m. is going to be your first meal. This is on fasting days. Non-fasting mein, you can have breakfast at your usual time. So this is going to be the main difference between non-fasting days and fasting days. Ek farak hi ho gaya. Dusra, non-fasting days ke andar aapki carbohydrate ki intake thodi si badi bhi hoegi aur aapki dietary fats ki intake thodi si kam hoegi. So in essence,
What we are going to do in non-fasting days is to bring you out of ketosis, okay, through higher carb intake and get your glycogen levels optimized. Agar aapko ye science samajh mein nahi aa rahi, that is fine. Just know that we are cycling your metabolism and creating more sense of flexibility. Metabolic flexibility is what we are after. You see, because आपका मेटाबॉलिज्म अगर जितना फ्लेक्सिबल होएगा ना, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा कि वो ग्लूकोज के ऊपर भी चल रहा है और फैट्स के ऊपर भी चल रहा है. इसकी साइंस एक्सप्लेन मैं नहीं करना चाहूँगा. जस्ट नो दैट व्हेन यू आर गिविंग योर स्केड्यूल एन इंटरमिटेंट फॉर्मेट, देन यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर मेटाबॉलिज्म. सो नॉन फास्टिंग डेज के अंदर आपने कीटोसिस से बाहर आना है, एंड देन फास्टिंग डेज में आपने कीटोसिस के अंदर जाना है. एंड वन अदर थिंग, ये कीटो का वर्ड आई एम प्रीटी श्योर आपको पता है. इफ यू फॉलो द गाइडलाइंस दैट आई हैव बीन गिविंग यू इन माय प्रीवियस लेक्चर्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड इवन नाउ एज वेल एज द ऑनलाइन कोर्स दैट आई मेंशनड, अगर आप वो करोगे तो आपको कीटोसिस का भी फायदा मिलेगा, बिकॉज योर बॉडी विल गेट इनटू अ स्टेट ऑफ कीटोसिस थ्रू द मैक्रोस दैट वी हैव क्रिएटेड. तो इसका बेनिफिट क्या है कि कीटोसिस में जाना है, कीटोसिस से बाहर आना है. दैट्स हाउ यू डू थिंग्स द राइट वे. सो पॉइंट नंबर टू इज फोकसिंग ऑन नॉन फास्टिंग डेज एज वेल. नंबर थ्री पॉइंट, मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी. ये मैंने पिछले पॉइंट में बात की थी, इसके अंदर अब कुछ बातें नोट करने की हैं कि जिन दिनों में आप फास्टिंग कर रहे हैं और आपके वो दिन नॉन फास्टिंग से फर्क है, तो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी कैसे क्रिएट होती है. वो इस तरह होती है कि जो आपके फास्टिंग डेज में आपकी फैट की इंटेक थोड़ी सी ज्यादा होगी, यू विल बी कंज्यूमिंग मोर डाइटरी फैट्स, थिंग्स लाइक वॉलट्स, आलमंड्स, पीनट बटर टू सम एक्सटेंट, थिंग्स लाइक ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स, मक्खन, घी, ये वो सारी चीजें हैं, चारे मगज जिसको उर्दू में कहते हैं, सेसमी सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स. मैं क्या करता हूँ कि मैं जो अपना मील बनाता हूँ ना, मैंने अपने किचन में ये सीड्स रखे हुए, तो मैं उनको थोड़ा सा फ्राई पैन पर डाल के हल्का सा उनको रोस्टेड करके ना अपनी सैलड के अंदर डाल लेता हूँ, या पोटेटो है, जो भी चीज़ें ना उसके अंदर ऐड कर लेता हूँ. तो उससे क्या होता है कि आपकी फैट की इंटेक बढ़ जाती है. सो वट यू आर डूइंग ऑन योर फास्टिंग डेज इज यू आर ट्राइंग टू प्रमोट ए स्टेट ऑफ कीटोसिस. ठीक है, तो जब आपने जो फास्टिंग डेज में कीटोसिस किया थ्रू हायर फैट इनटेक, मॉडरेट प्रोटीन इनटेक एंड लो कार्ब इनटेक, तो नॉन फास्टिंग डेज में आपने इस चीज को रिवर्स कर दिया. तो आप देख रहे हैं कि कैसे साइक्लिकल चल रहा है. एक बात याद रखिए, अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही, तो जो इस पॉइंट से रिलेटेड सारी बातों की एक बात ये होगी कि योर बॉडी हेट्स योर बॉडी हेट्स इट हेट्स कंसिस्टेंसी. कि जब आप एक ही चीज को बार बार रिपीट पे लगा रहे हैं ना, तो आपके रिजल्ट्स आने बंद हो जाते हैं. आप ये नोट कर लें कि आपकी एक एक्सरसाइज पैटर्न है और आप वो एक ही एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो कर ही जा रहे हैं, योर बॉडी इज गोइंग टू अडेप्ट, इज गोइंग टू स्टॉप रिस्पॉन्डिंग. बट इफ यू हैव अ वेरिएटिंग, इफ यू हैव अ प्रोग्राम दैट हैज वेरिएशंस, That is going to give you more results. इसी तरह ही आपके plan के अंदर है कि अगर आप एक ही plan को follow कर रहे हैं, तो आपकी body adapt कर जाएगी, it won't give you results. मैं अपने plans के अंदर भी day to day vitamins को भी vary कर रहा होता हूँ. किसी दिन कोई vitamin है, किसी दिन कोई vitamin है, और आपके days को भी मैं vary कर रहा होता हूँ जब आप plan लेते हैं मेरे से. और ये चीज वो जो मेरे online course है उसके अंदर भी ये चीज डली हुई है. So the point is that you have to create a balance between fasting and non-fasting days. ठीक है, so ये point number three हो गया. Point number four, और ये भी metabolic flexibility से relate कर रहा है कि आपने 14 घंटे की fasting कर ली है. Now the question becomes, is your body ready for 14 hour fasting? Maybe or maybe not. Maybe it is ready, maybe it is not ready. So the question becomes, how do you find out? Aur is sawal ka jawab dene se pehle main aapko implore karunga, I will request you to not do things mindlessly. Bahut se log bahut si cheeze kar rahe hote hain,
और जस्ट बिकॉज उनको बताया गया कि उसी तरह ही करना है तो वो अपना दिमाग बिल्कुल बंद कर लेते हैं। तो अब ये जो मैं आपको 5 सवाल बताने वाला हूँ ना, इससे आपको खुद पता लगेगा कि क्या आपका मेटाबॉलिज्म 14 घंटे की फास्टिंग को हैंडल कर सकता है या नहीं। और अगर नहीं हैंडल कर सकता, यू गो बैक टू 12 आवर फास्टिंग, यू डू इट फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड यू डू इट द राइट वे, देन यू कम बैक टू 14 आवर्स। दैट्स हाउ यू डू थिंग्स द राइट वे। आप अपने आप को, अनफॉर्चुनेटली ना हमारी ये जो जो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर अपनी बॉडी को डंडे मारने को प्रमोट किया जाता है कि जितना पेन लोगे ना उतना ही काम ठीक होएगा, एंड दैट्स नॉट ट्रू। यू नो जब मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता था तो वहां पे ये बातें की जाती थी, नो पेन नो गेन, अपने आप को रगड़ा दो, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वेट लॉस के, सिम्टम्स बुरा हाल है, एनर्जी नहीं है, बाल गिर रहे हैं, बस नहीं फाइट करी जाओ, चाहे उस प्रोसेस में गंजे हो जाओ लेकिन लड़ते रहो। तो बॉडी से लड़ना नहीं है, मेटाबॉलिज्म से लड़ना नहीं है, उसके साथ फ्लो करना है, उसको अंडरस्टैंड करते हुए अपने आप को प्रॉपरली अलाइन करना है। तो अब ये 5 चीजें हैं, ये आप नोट कर लें कि इनके सवालों के जवाब क्या होंगे। सो लेट्स से यू स्टार्ट द ब्रंच फास्ट, द 14 आवर फास्ट टुडे, राइट, एंड यू डू इट फॉर अ कपल ऑफ डेज। नाउ व्हाट हैपेंस इज यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दीज 5 क्वेश्चंस आफ्टर अ कपल ऑफ डेज। नंबर वन, हाउ इज योर एनर्जी ऑन फास्टेड डेज वर्सेज नॉन फास्टिंग डेज, के व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ, डज दैट मेक सेंस फॉर मी फॉर एग्जाम्पल, एंड आई आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन अलॉट। सो आई एम फास्टिंग टूडे, माई एनर्जी सीम्स टू बी फाइन, एज यू कैन सी आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई गॉट माई बुलेट प्रूफ कॉफी एंड आई एम सिपिंग अवे, आई स्किप माई ब्रेकफस्ट, आई एम गुड टू गो। सो इज योर एनर्जी गुड ऑन फास्टेड डेज वर्सेज नॉन फास्टिंग डेज? इफ द क्वेश्चन इज नो, देन प्रॉबली योर मेटाबॉलिज्म इज नॉट रेडी एंड यू नीड टू आइदर सी वे यूर गोइंग रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ योर न्यूट्रिशन और योर वाइटमिन्स, और जस्ट दैट योर बॉडी नीड्स अ लिटिल बिट मोर टाइम टू अडेप्ट ऑन द 12 आवर फास्ट। ठीक है, नंबर टू क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ टू मेक श्योर इफ योर मेटाबॉलिज्म इज रेडी इज मेंटल क्लैरिटी। इज योर माइंड क्लियर वेन यू आर इन अ फास्टेड स्टेट? कि जब आपने खाया नहीं हुआ कुछ तो क्या आपकी मेंटल एनर्जी कैसी, क्या आप निढाल हैं, दिस ब्रेन फॉग, यू कांट थिंक क्लियरली, और आर यू प्राइम्ड अप, यूर थिंकिंग शार्प, यूर क्लियर? यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज हैपेंड कि जब मैंने फास्टिंग शुरू की ना तो शुरू में मुझे काफी प्रॉब्लम हुई, आई वॉज लाइक यू नो आई कांट थिंक क्लियरली, यू नो आई कुडंट डू इट द राइट वे, बट देन यू नो आई फॉलोड द प्रोसेस, द प्रोटोकॉल दैट आई एम टॉकिंग टू यू, दैट आई एम टीचिंग यू। उससे क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता आई हैव गॉटन, आई हैव स्टार्टेड टू फॉल इन लव विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्टिंग, बिकॉज आई एम सो शार्प ऑन डेज दैट आई एम फास्टिंग दैट आई विश आई कुड डू इट अ लिटिल मोर, बट देन यू नो साइंस ही बताती कि हमें उसको इतना ज्यादा पुश नहीं करना। तो मेंटल क्लैरिटी भी एक बहुत बड़ी चीज है कि जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो क्या इज योर ब्रेन गेटिंग शार्पर? आई नो फॉर अ फैक्ट दैट माई ब्रेन विच वॉज प्रीटी स्लो और व्हेन आई वाजंट फास्टिंग, इट्स बिकम अ लॉट बेटर। सो आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, इफ योर मेंटल क्लैरिटी इज नॉट गेटिंग बेटर देन यू नो वॉट टू डू नाउ। नंबर थ्री, हंगर, भूख की मैनेजमेंट। सो व्हेन यू डू इन अ 14 आवर फास्ट, इफ यू डन अब लेट्स से 2 3 डेज यू डन योर 14 आवर फास्ट एंड यू फील दैट योर हंगर इज नो मोर, देन योर बॉडी हैज अडेप्टेड, योर मेटाबॉलिज्म इज नाउ टैपिंग इन टू योर फैट स्टोर्स फॉर एनर्जी। सच अ ब्यूटिफुल स्टेट टू बी इन। देखें आप, यूजुअली हमारा मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज पे चल रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे चल रहा होता है, जैसे ही आप कार्ब्स खींचते हैं बॉडी शट डाउन करनी शुरू हो जाती है, ब्रेन फॉग आ जाती है, एनर्जी लो हो जाती है, यू नो ऑल दोज बैड साइंस कम अप, स्टार्ट कमिंग अप। नाउ इफ यू हैव क्रिएटेड अ स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, योर बॉडी गोज इन टू स्टेट ऑफ कीटोसिस एंड योर बॉडी स्टार्ट टू बर्न, टू रन ऑन कीटोन बॉडीज, और उनका फ्यूल क्या है? फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, और ये फ्री फैटी एसिड्स क्या कर रहे हैं कि ये आपको एनर्जी दे रहे हैं। सो दिस इज अ ग्रेट स्टेट टू बी इन एंड आई वुड रिकमेंड दैट यू पुट योर सेल्फ थ्रू दिस चेक एंड यू यू सी कि आपने 14 घंटे फास्टिंग की, आपकी भूख अगर ठीक हो रही है और आपको भूख नहीं लग रही, दैट्स ग्रेट, बट अगर आपको भूख लग रही है दैट मीन्स दैट योर मेटाबॉलिज्म इज नॉट दैट इट्स नॉट अडेप्टेड एंड यू नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ द 12 आवर फास्टिंग। और उसके साथ साथ अपने जो मील प्लान है फास्टिंग का और जो नॉन फास्टिंग का है, उन सारों को इवेल्युएट करना होगा, सिर्फ
डोंट जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग थिंग्स. ठीक है, ओके. वी सो वी टॉक्ड अबाउट द थ्री क्वेश्चंस, एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी, हंगर. चौथा पॉइंट है क्रेविंग्स का, एंड यू नो द आंसर बाय नाउ. सो इफ योर क्रेविंग्स आर नॉट डैम्पनिंग डाउन ड्यूरिंग अ फास्ट, अगेन देर इज अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू रिविजिट एंड गो बैक एंड सी वेयर वी गोइंग रॉन्ग. एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज आपके डेली टास्क करने की आपकी एनर्जी क्या है. Everybody has a routine, and if your routine is such that you know that you feel ke aapko fasting mein aap unko un tasks ko kar pa rahe hain and you don't find them to be a burden or overwhelming ho rahe, two thumbs up to you. You must stick with that approach because that clearly tells you that your metabolism has adapted and that your body is primed for action. Because you know, again going back to energy metabolism, so your daily tasks require energy, और वो energy जब आपकी fasting state में होते हैं तो वो अगर और अगर आपने 4-5-6 दिन किया है तो आपकी glycogen deplete हो जाती है, जो stored carbohydrates होते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी body shift करती है ketones पे, free fatty acids पे, stored body fat पे. तो जब वो stored body fat को as energy use कर रही है तो इसका मतलब है आपके daily tasks भी आसानी से हो रहे हैं. What a beautiful state to be in. But however, let me tell you one thing. ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी कि यू नो मेरी बॉडी बॉडी फैट पे रन कर रही है और कीटोन बॉडीज आ रहे हैं और ये आ रहा है और वो आ रहा है, पेपर पे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एक्चुअल क्रिएट करने में इतनी आसान नहीं होती. ट्रस्ट मी, इट हैज़ टेकन मी अ लॉट ऑफ टाइम एंड एक्सपेरिमेंट एंड हार्ड वर्क एंड फेलियर्स टू अंडरस्टैंड रियली वॉट मेटाबॉलिक फ्लेक्सीबिलिटी इज. सो लेट मी रिमाइंड यू दैट वॉट एवर यू आर डूइंग, please connect with these symptoms, ask yourself these questions. लिख लो और लिखो कि अदनान, visualize कि अदनान सामने बैठा है और ये questions आपसे पूछ रहा है और आप उन सवालों के जवाब honestly दे रहे हैं. ठीक है, so this takes care of the four points. पहली हमने बात की mindset की, दूसरी हमने बात की focusing on non-fasting days, तीसरी हमने बात की metabolic flexibility, चौथी हमने जो ये पांच questions हैं ये आप अपने आप से पूछेंगे, and last and final the exercise that you're supposed to do. Now, if you have been following my campaign all along, you know that I have been saying that for phase one and two, you were supposed to walk. Now, phase three, aap exercise thodi si add karenge, aur wo kis tarah ki exercise hoegi, wo 15-20 minute ki high intensity interval training protocol hoegi. Aur exercise ki do हिस्से होते हैं, एक उसका प्रोग्राम होता है और एक एक्चुअल एक्सरसाइज होती है जो आपने करनी. तो मैं आपको पहले प्रोग्राम बता रहा हूं. प्रोग्राम के अंदर ड्यूरेशन वर्कआउट की कितनी होगी, लाइक आई ऑलरेडी मेंशन 15-20 मिनट्स. ठीक है, दैट्स इट. नंबर टू, इसकी डेज कितने होंगे, हफ्ते में 2-3 दिन, दैट्स इट. ठीक है, नंबर थ्री, व्हाट विल बी द at the intervals, because high intensity interval training hai, to ek work interval hoega jisme aap exercise karenge aur ek rest interval hoega jisme aap rest karenge, recover karenge. So what you're going to do is 10 to 15 seconds is going to be your exercise interval, and then 60 to 90 seconds is going to be your rest interval. That is totally opposite to what you have been hearing about interval training, high intensity interval training, because उसमें क्या होता है, usual formats के अंदर 30 seconds exercise होती है, फिर 30 seconds rest होता है. मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 10 to 15 seconds of high intensity work and then 60 to 90 seconds of rest. लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है कि आपने जो 10 से 15 second exercise करनी है ना, वो इस तरह होगी कि जिस तरह अगर आप sprinting कर रहे हैं तो you will imagine कि आपके पीछे एक रॉटवाइलर या कोई जर्मन शेफर्ड कुत्ता आपके पीछे पड़ा हुआ है. दैट्स द काइंड ऑफ स्पीड वी नीड. दोज 15 सेकंड्स आर गोइंग टू बी बैलिस्टिक, इट्स दे आर गोइंग टू बी लाइक बुलेट. सो यू आर रियली मैक्सिंग आउट इन दीज 10 टू 15 सेकंड्स, और फिर जब आप मैक्स आउट करोगे देन यू विल नीड दोज 60 टू 90 सेकंड्स टू रिकवर. ठीक है, ये प्रोग्राम जो आप इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं उससे फर्क इस तरह है कि आपके वाले के अंदर पेसिंग होती है कि एक तो आप 45 मिनट्स के लिए वो इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो 30 सेकंड्स ऑन 30 सेकंड्स ऑफ. तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसमें आप जब वर्क इंटरवल है यू आर नॉट मैक्सिंग आउट, यू आर जस्ट डूइंग एक्सरसाइज फॉर द सेक ऑफ इट बट यू आर नॉट मैक्सिंग आउट.
हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का मेन मकसद ये होता है कि आप अपने एनरोबिक थ्रेशोल्ड पे जाते हैं, आप अपने 90% को टच करते हैं, आप 70% पे नहीं रहते हैं। सो विदाउट गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ साइंस, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग पार्ट। तो ये पांचवा पॉइंट आपका एक्सरसाइज से रिलेट करता है एंड यू नीड टू पुट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स इनटू प्रैक्टिस एंड आई वुड हाईली रिकमेंड। ये मैं अब चूंकि सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ और फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा कि देखें आपने आपने क्या करना है, आपने ये पॉइंट्स लिख लेने हैं और आपने इवेल्युएट करना है वेयर यू हैव बीन राइट नाउ, व्हाट वर यू वर डूइंग। इफ यू वर डूइंग द बोथ द प्रीवियस फेजेस देन इट्स प्रीटी मच क्लियर फॉर यू, बट इफ यू हैव जस्ट जॉइंड दिस ट्रांसमिशन एंड इफ यू हैव नो आइडिया देन यू डोंट नीड टू गेट कन्फ्यूज, दिल बर्दाश्त ना हो। You can go back to my IGTV or you can go to my YouTube channel, watch those previous videos, literally 15-20 minute ki hain. Do videos dekhein, apne aap ko prepare karein, apna plan of action banayein aur jo aapko aata hai usko execute kar dein, uske andar intezaar na karein, because for a lot of people they become such perfectionists that they can't even move, you know, and I want you to not feel like you have to know everything there is that Adnan told you, each and everything and then you will start. No, incorrect. जो आपको अभी आपने इस वक्त सुना है, अगर आपने पिछले phases नहीं किए हुए, forget about that. You need to start right now. That's where your success is. So, और अगर आपने इस सारी चीज को bypass करना है, then obviously you go to my online course और वो उसका link description में आ रहा होगा, तो आप उसको देख के उस पर जा सकते हैं and that will cut out all the guesswork from your approach. But do whatever you do, whatever you do this time, make sure you do it the right way. और ये मैं आप जितने लोग भी इस वक्त ऑडियंस देख रही है, I am talking to you as a person. I am not talking to a machine. I am looking into your eyes and I am requesting you, please. आपने इतने साल मेहनत की है, आपने हमेशा अपनी हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश की है, आपने बहुत पैसे भी लगाए हैं, वो कहते हैं ना तन मन धन आपने सब लगा बैठे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल स्टे स्टक व्हाटएवर दे आर बिकॉज आइदर दे आर वांटिंग टू बी परफेक्शनिस्ट के मुझे एक एक चीज पता होनी चाहिए, या वो अपनी उन्हीं चीजों को बार बार एक वो कहते हैं ना लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, वो अपनी वही चीजों को दोबारा चलाई जा रहे हैं। दिस टाइम राउंड ट्रस्ट मी And I give you all the confidence I have right now. You can see it in my eyes. You can change things. But how you can change things is by not dreaming, not by feeling sorry for yourself, not by taking yourself as a victim, by knowing what you know right now. Grab a piece of paper, video samne rakho, Adnan ne ye baatein batayi hain, inko execute karo, aista aista wo baatein seekh jaoge, theek hai? So I hope this message is resounding. It is telling you what you know. और मैं इस जो phase 4 है उसके ऊपर भी आप लोगों के साथ आऊंगा. I'm going to stay in touch. ठीक है? So I'm going to give you all that I know and I give it to you as जैसे हम बात कर रहे हैं. ठीक है? So जिस तरह हमारा leader कहता है ना, घबराना नहीं है, तो आपने भी घबराना नहीं है, आपने मेहनत करते रहना है. So jumping on to the questions. Okay. What to drink during the fasting state? You can, Aisha Khan pooch rahi hai ji, what to drink during the fasting state? You can drink lemon water. You can drink plain water. You can drink lemon water with the pink salt. You can have Americano coffee, which is just one teaspoon. ये मैं अमेरिकानो आपके सामने पी रहा हूँ और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने MCT ऑयल या कोकोनट ऑयल डाला हुआ है. यू कैन हैव टी, यू नो, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर फॉर यू टू एंजॉय एंड दे विल हेल्प योर हेल्प यू इन योर फास्टेड स्टेट. सो आई बिलीव एक और क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सरसाइज इज गुड ड्यूरिंग फास्टिंग डेज, राहिला पूछ रही है. येस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू एक्चुअली डेडिकेट अ सेशन on how to answer this question because there is no wrong or right. Fasted state mein workout karna acha tab hai jab aapka metabolism adapt kar chuka hai. You see, when your body is in a state of metabolic flexibility, then bam, you go for it. Otherwise,
डोंट इवन गो नियर एक्सरसाइज इन अ फास्टेड स्टेट. सो इसीलिए मैं बार बार मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइमिंग योर मेटाबॉलिज्म, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ. बिकॉज मैं अपनी कोई अपनी तारीफ नहीं करूँगा, बट ट्रस्ट मी, आई एम ऑन माई थर्ड बुक ऑन इंटरमीडियंट फास्टिंग एंड दैट्स हाउ आई हैव कंक्लूडेड डूइंग इट विद माई सेल्फ. सो दीज वर योर क्वेश्चंस. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. इफ यू नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, वो लिंक क्लिक करेंगे, आपको प्रोग्राम पे ले जाएगा. ठीक है जी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आई होप एज ऑलवेज आई बीन एबल टू सर्व यू. अल्लाह हाफिज़.